नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय बुंदेलखंड झांसी में हूँ, जहाँ पर मुक्ता कासिम मंच पर आज ऐतिहासिक महासम्मेलन में विशेष अतिथि के तौर पर पहुंची है किसनी विधानसभा से। भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट नहीं मिला है, क्या वजह रही? मैं शीर्ष नेतृत्व का हर तरह से समर्थन करती हूँ, जो भी उनका निर्णय रहा होगा बहुत अच्छा ही उन्होंने विचार से निर्णय लिया होगा। मैं किसनी विधानसभा से नीता धनगर सबसे पहले आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि आप जन अदालत से अपनी बातें लोगों तक पहुँचाते हैं। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने अथाह मेहनत की किसनी विधानसभा में अपने लोगों को जागरूक करने में। हमने वहाँ पूरी हिम्मत से अपनी एक पहचान बनाई, लोगों को जागृत किया, और जो चीज़ इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि आज़ादी के बाद से जो बंसीलाल धनगर जी थे उनके बाद से वहाँ बीजेपी की कोई विधायक नहीं आया था। तो मैं यही सोचकर किसनी आई थी कि मैं अपने लोगों को जागरूक करके, अपने ही नहा पूरी किसनी को जागरूक करके वहाँ बीजेपी का विधायक लाऊंगी, जो कि मेरा सपना पूर्ण नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, मैं शीर्ष नेतृत्व का उनकी बात का समर्थन करती हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो किया है पार्टी को तोड़कर, बस वहीं से फूट हो गई और करहल में माननीय मंत्री जी एसपी सिंह जी को बुलाना पड़ा, तो वो भी हमारे ही समाज के हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। उनके आने से करहल और किसनी में दो धनगर हो गए थे, तो धनगर किसी एक को ही टिकट दी जाएगी। तो शीर्ष नेतृत्व का ये मानना था कि एसपी सिंह बघेल जी मंत्री जी को वहाँ से उन्होंने उतारा, तो हमें इसी वजह से टिकट नहीं मिल पाई है। लेकिन हमने वहाँ अपना प्रयास करना नहीं छोड़ा है, हम अब भी किसनी में सक्रिय हैं और आगे आने वाले समय में मैं वहाँ फिर से अपना परचम लहराऊंगी, ये मेरा किसनी वासियों से वादा है। तो किसनी विधानसभा में लगातार सक्रिय हैं, नीता धनगर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप लगातार झांसी में भी राकेश पाल का साथ दे रही हैं, कई कार्यक्रमों में शामिल होती हैं, उनके हर कार्यक्रम में आप सपोर्ट करती हैं। आपको पता होगा कि बुंदेलखंड झांसी में पिछले 20 साल से राकेश पाल संघर्ष कर रहे हैं समाज के लिए, समाजवादी पार्टी ने भी उन्हें कुछ नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी में जब आए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें वचन दिया था कि वो उनको कहीं ना कहीं सम्मान देंगे, तो वो सम्मान अभी तक नहीं मिला, क्या कहना? हमारे बड़े भैया राकेश पाल जी, पूर्व पंचायत अध्यक्ष, मैं ये कहना चाहती हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व से कि सबसे पहले तो समाज आता है, हम सब समाज के साथ हैं, हम पाल बघेल धनगर समाज के साथ हैं, फिर हम सबके साथ हैं। तो हम सबको लेकर नहीं चलेंगे तो हम अपनी जगह नहीं बना सकते। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी से उन्हें कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद या पद नहीं मिला है और अब वो बीजेपी में आए हैं, कुछ सोचकर ही आए हैं और अपने साथ बहुत भारी संख्या में पाल बघेल धनगरों को लेकर आए हैं, जिनके बिना आप किसी भी जीत की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो मैं यही चाहती हूं कि आप उनको भी उचित स्थान दें पार्टी में। और पाल बघेल धनगर समाज की शान है, जान है, केवल झांसी की नहीं पूरे देश की शान है हमारे बड़े भैया राकेश पाल जी। तो मैं आग्रह करती हूँ पार्टी से, अपने शीर्ष नेतृत्व से, कि उनकी ओर विशेष ध्यान दें। आगे आने वाले समय में आपको जो सीटें हमने गवा दी हैं वो गवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक पल भी हमारी ओर ध्यान धरें। बिल्कुल, तो यहाँ पर नीता धनगर ने भी आवाज़ उठाई है कि बुंदेलखंड में राकेश पाल को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो बुंदेलखंड नहीं पूरा देश का समाज उनसे जुड़ा हुआ है। एक सवाल आपसे, आपका सवाल मैं आपसे बीच में करना चाहूँगा, जो आपसे जुड़ा हुआ सवाल है, धनगर को लेकर जिस तरीके से बहस चलती है, आप भी गडरिया समाज से आती हैं, आप धनगर क्यों लिखती हैं? सबसे पहले तो मैं गडरिया हूँ, गडरिया समाज से आई हूँ। धनगर जो हमारी जो सूची है उसमें धनगर, पाल, बघेल, ये बड़ी उपजातियाँ हैं सब। कोई पाल लिखता है, कोई बघेल लिखता है, कोई धनगर लिखता है। तो इसका अर्थ केवल ये नहीं है कि हम बस जिसका जो मन आए, जो उस सूची में आता है वो उस हिसाब से लिखता है, लेकिन हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। लेकिन कई जो चीज़ें देखी गई हैं कि धनगर अगर सर्टिफिकेट बन गया है तो हमें ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाएंगी, इसलिए लोग ज़्यादा उत्साहित होते हैं धनगर बनने के लिए या एससी बनने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो
आपने सुना होगा मंचों से जिस तरीके से नीता धनगर को लेकर जो बयान दे रहे थे कि धनगर रहोगे तो जेल चले जाओगे, तो आपको डर है कि आप जेल जाएंगे? ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय सतीश पाल जी अपनी बात बहुत बेबाकी से रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो कभी गलत भी नहीं कहते हैं, ये भी मैंने देखा है। वो पूरा फुल प्रूफ, जब उनके पास प्रूफ होता है वो तभी किसी बात को सामाजिक संगोष्ठियों में रखते हैं, तो ये चीज़ भी गलत नहीं है, सही है। हाँ, ये है कि कोई विशेष व्यक्ति धनगर या कोई भी कास्ट का बनकर सिर्फ खुद ही लाभ ना उठाए, अपनी जनता को, अपने समाज को भी लाभ दे, तब तो वो चीज़ सुखदाई है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल करती हूँ, साथ हूँ उनके जी। तो नीता धनगर भी जो है सतीश पाल जी के साथ खड़ी है, उन्हें उनकी बात पर उन्होंने समर्थन कर दिया है। और जो धनगर के ठेकेदार लोग हैं और वो अपने आप को ठेकेदार मानते हैं, तो पूरी समाज को सम्मान दिलाना भी उनको करना चाहिए, जहाँ तक नीता धनगर की बात से ये प्रमाणित होता है। नीता धनगर जी, पूरा देश आपको इस समय देख रहा है, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जिस तरीके से समाज की एक आदर्श रही हैं, आप महिला थी, उन्होंने भी शासन किया है, आप भी एक महिला हैं, तो अपनी महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं लोक माता अहिल्याबाई जी को शत शत श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ उनकी 297वीं पुण्यतिथि पर। और यहाँ राकेश भैया ने इतना बड़ा पाल, धनगर, बघेल समाजों का जो आयोजन किया है माता जी के उपलक्ष्य में, ये अपने आप में ही अनूठा है और इसकी युग युग तक चर्चा होगी और ये पूरे देश में ही अभी चर्चा का विषय बना रहेगा। अब बात करती हूँ माता लोक माता अहिल्याबाई जी की, कि वो हम उन्हें क्यों प्रातःस्मरणीय स्मरणीय और पुण्य श्लोका कहते हैं, जिस तरह हम भगवान जी को रोज़ सुबह उठकर स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उसी तरह हमारी लोक माता ने हमारे लिए जो किया है वो शायद ही किसी अन्य किसी माता ने किसी जाति में या किसी बड़े शासन व्यवस्था में किया हो। प्लीज़ उनके सामने उनके राजमहल में घुटनों के बल बैठकर उन्हें प्रणाम करते थे। ऐसा भी समय था और आज ऐसा भी समय है कि पाल बघेल धनगर समाज का कहीं नाम नहीं है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं, उसे एक सम्मान, एक देश में एक आइडेंटिटी दिलाने के लिए हम लड़ रहे हैं, इसलिए हम इकट्ठा। नहीं लगता कि अहिल्याबाई जयंती पर आपका होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमें विश्व में ख्याति दिलाई है कि अहिल्या लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी कुछ हैं, तो ये हर जगह होना चाहिए। मैं उनसे विनम्र आग्रह करती हूँ इस चीज़ का कि इस दिन तो सरकारी अवकाश होना ही चाहिए। जब उन्होंने इतना सब कुछ किया है, वो त्याग की मूर्ति हैं, वो अच्छी राजनीतिज्ञ हैं, हम उनसे सीखते हैं। हर महिला को, मैं हर बच्चियों को, हर बेटियों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि इतना इतना पढ़िए, इतना आगे बढ़िए कि हर लड़की लोक माता अहिल्याबाई आगे बने, लोक सेवा में जाए, समाज सेवा करे, इससे हमारी ही देश की ख्याति बढ़ेगी। ये हमारे लिए बहुत गौरव और सम्मान की बात होगी कि कोई महिला, पुरुष नहीं, कोई महिला, और ख़ासकर उनके ससुर जी जो रहे हैं लोक माता अहिल्याबाई होलकर के, उन्होंने उन पर इतना विश्वास दिखाया कि मेरी बहू आगे चल के कुछ कर सकती है। जब उस समय इतिहास में ऐसा हुआ है तो आज क्यों नहीं हो सकता ऐसा? बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड भी उनसे प्रेरित हुए हैं, क्योंकि राजनीति में वो आपको आगे ले जा रहे हैं, खुद पीछे रहते हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं, पूर्णता सही है। मेरे पतिदेव हैं अनिल प्रताप सिंह बघेल एडवोकेट, इन्होंने ही मुझे मेरी क्षमताओं को पहचाना होगा और इन्होंने ही अब मुझे आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है कि तुम्हें तो कुछ बना के रहना ही है, तो मुझे सबसे पहले इन्हीं की उम्मीदों पर खरा उतरना है और फिर मुझे अपने समाज को देखना है और समाज की महिलाओं को जागरूक करना है। लोग मंचों से बड़े बड़े भाषण देते हैं, महिलाओं को आगे लाओ, महिलाओं को आगे लाओ, महिलाओं को तो आगे लाते नहीं, खुद आगे आ जाते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक सिंबल बनेंगे यहाँ पर मंच पर। राकेश पाल की मैडम भी थी दयावती पाल जी। जी भैया, राकेश पाल जी की धर्मपत्नी भाभी जी दयावती पाल जी, वो भी मेरी प्रेरणा स्रोत हैं। और मैं आपको बता दूं कि बड़े भैया राकेश पाल जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं, शुरू से ही उन्हीं के सानिध्य में रहकर हमने आगे आगे हम बढ़ रहे हैं, उन्होंने ही हमें प्रेरणा दी है, तभी हमने सोच विचार करके इस क्षेत्र में कदम रखा है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ।
अदालत न्यूज को लगातार देखते रहिए और आपकी जन अदालत न्यूज पर नियमित खबरों के लिए जुड़ने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज में जो सब्सक्राइब बटन है इस पर आप क्लिक करें और लगातार अपडेट पाने के लिए घंटी दबाना मत भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही आपकी जन अदालत न्यूज फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। आपकी जन अदालत न्यूज फेसबुक पेज को देखने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज फेसबुक पेज का फॉलो बटन को आप क्लिक करें, फॉलो करें आपकी जन अदालत न्यूज को और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। आपकी जन अदालत न्यूज हरदम आपके साथ खड़ा है। जय हिंद।